आज मैं आपको एक ऐसे अंकल से मिलाने लेके आऊँ जो लोगों के खिलाफ है, मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना। पता नहीं किसका आशीर्वाद है जो उनका चल रहा है, वरना 10 रुपए में तो क्या आएगा, आप खुद बता दो। नहीं जैसे कभी कभार तो किसी के पास 10 रुपए भी नहीं होते, अंकल ऐसे खिला देते, कोई दिक्कत नहीं, खाओ। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या बेचते हो आप यहाँ पे? भैया हम हफ्ते में 3 बार कड़ी लगाते हैं, एक दिन दाल, एक दिन छोले, एक दिन सांभर चावल, बावी चावल है। वाह भाई। और ये अभी आप कितने वाली प्लेट लगा रहे हैं? ये 10 की प्लेट है भाई। भाई अच्छा, 10 रुपए की छोले आए बाबू जी हमारे पास। बहुत बढ़िया, फुल तरी वाले छोले, बढ़िया मसालेदार। और ये चटनी होती है बाबू जी? अच्छा, चटनी वगैरह भी डाल के देते हो? अरे एक मसाला होता है। वाह भाई, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हमने कहा नहीं 10 में खिलाओ। व्यापार के लिए तो नहीं कर रहे आप? नहीं, व्यापार नहीं है बाबू जी हमारा, उसमें वो भी आते हैं मेरे पास, भैया नहीं है पैसे, खा के जा पहले उसके लिए पेड़ भर के खा के जाएगा वो। प्रेरणा कहाँ से आती है अंकल जी की ऐसा काम करना चाहिए? ये था कि जहन में अपने में यही था, भैया देखो गरीब को खिलाया जाए, अगर 2 पैसे कहीं बच जाते हैं तो हलवा बन जाता है। अच्छा, हलवा ही बना दो? हलवा खीर बन जाती है वो भी 10 रुपए में, उसका कोई चार्ज नहीं होता। खाना बहुत बढ़िया बात है, डेली यहीं आते हम तो। ये आज मंगल की भीड़ है, आप अदर डे आके देखना भीड़ कितनी हो। हम लाइन लग जाता है, जैसे फ्री में बट रहा है, घर जैसा लगता है। कभी हलवा भी देते हैं जैसे अभी आप बता रहे थे आपको जी, कभी फल हो जाते हैं उसका कोई चार्ज नहीं है। 10 रुपए में 30 रुपए 40 रुपए वाली फीलिंग है, इसलिए सारे बंदे सस्ते की बात नहीं है, बात है कि हमें घर जैसा लगता है। कैसा लगता है वो जी खाना? 3 साल तक आ रहा था। तो ये देखो जी, ये कुकर के अंदर भी, वाह भाई वाह, बढ़िया तरी वाले छोले। अंकल जी ये बताओ, ये जो अपनी रसोई है इसका नाम क्या है? भोले की रसोई। अच्छा, भोले बाबा की रसोई? हाँ जी, भोले बाबा की रसोई। और मैंने सुना है कि यहाँ पे कभी फल वगैरह भी बांटते हो? वो बाबू जी जैसे कोई सेवा आती है, कोई आप जैसे कोई आया सेवा करता है, वो निष्पक्ष सेवा बढ़ जाती है। अच्छा, उसका कोई पैसा नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं। और कभी कभी खीर हलवा ही बांटते हो? खीर भी बढ़ती है, हलवा ही बढ़ता है। क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे खाने के लिए? कढ़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल। अभी आप इसमें जितना भी पैसा लगाते हैं, जो भी सेवा करते हैं, अपने पास से ही अरेंज करते हैं सब? फिलहाल तो साहब अपने पास से ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोग जुड़े, ताकि इस खाने को मैं आगे और कम कर सकूँ, पैसे का घटा सकूँ। जैसे 10 वाली चीज कितने में? 5 रुपए ली जाए। अच्छा, हाँ जी, ये आपके लिए लीजिए। तो ये देखो जी, पहले इसमें लिए चावल, और ये आए जी अपने छोले, और ये आ गई जी हरी चटनी, धनिया पुदीने वाली, ये अपने चाट मसाला लीजिए साहब। ये बढ़िया भाई छोले, और ये मटर वाले छोले जो अपने छोले कुलचे मिलते हैं दिल्ली के अंदर भाई, मटर वाले, और ये थोड़ी सी चटनी लगा लेते भाई धनिया पुदीने वाली। भाई दिल्ली जैसी महंगाई में भाई इतना सस्ता और बढ़िया खाना, भाई ये समझ लो बिल्कुल घर वाला स्वाद है, घर वाला खाना। मेरे साथ संगत जुड़े के तो हो सकता है 5 में चला जाएगा। अपना लंच लेके आऊँ तब भी यहीं खाऊंगा, चाय ना लेके आऊँ तब भी यहीं खाऊंगा। कितने बजे तक आते हो आप? 12 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँच जाते हैं डीपे अपने। ठीक है, करीब 4 बजे तक। अच्छा, 4 बजे तक समाप्त हो जाता है। कश्मीरी गेट से ये फ्लाईओवर जैसे उतरता है झिलमिल वाला, जैसे उतरेगा लेफ्ट साइड पे अंकल जी आपको दिख जाएंगे, पेड़ के नीचे ठंडी छाव में खाना खिलाते हुए सेवा करते हैं भाई। और जितने भी ऑटो रिक्शा वाले होते हैं भाई, सब आके यहीं पे रुकते हैं और यहीं खाना खा के जाते हैं।